हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं आपके साथ फतेहाबाद की तस्वीरों के साथ। फतेहाबाद की ये खतरनाक तस्वीरें हैं और अब मैं जो दिखा रहा हूँ, ये जो पानी है NH9 तक पहुँच गया है और सिर्फ फतेहाबाद और इस पानी के बीच में सिर्फ ये 6 इंच की पट्टी बाकी है। ये जो 6 इंच की पट्टी आप देख रहे हैं, सिर्फ इतनी एक पट्टी बाकी है, लेकिन पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर खतरनाक तरीके से जो पानी है बढ़ता जा रहा है। सामने आपको एक मकान दिखाई दे रहा होगा और उस मकान में आप देख सकते हैं कि अब उसके अंदर पानी का ये स्तर है। तो इस प्रकार के हालात अब आपको फतेहाबाद में दिखाई दे रहे हैं। पहले ऐसे ही हालात आपको दिखाई दिए थे अम्बाला में, कुरुक्षेत्रा में या फिर पंजाब में। वो सामने गाँव दिखाई दे रहा, पूरा पूरा गाँव पानी की चपेट में, चारों तरफ पानी है। हालांकि अभी हमारी फतेहाबाद के विधायक दूड़ाराम से बातचीत हुई है, पहले मैं आपको वो बातचीत सुना देता हूं कि हमारी उनसे क्या बातचीत हुई है। देखिए, पानी पीछे से आ रहा है, इसमें कुछ शक की बात नहीं, लेकिन सरकार की तरफ से सारे अधिकारी लगे हुए हैं, डिप्टी CSP, हम सभी अधिकारी लगे हुए हैं, ताकि चाहे गाँव की आबादी हो चाहे शहर की बात, हमारा एक ही निशाना है कि किसी तरह आबादी को बचाया जाए। पूरी कोशिश होगी कि किसी तरीके से किसी आबादी में, शहर की आबादी में भी, गांव की आबादी में पानी ना जाए। उसी बात को लेकर आज सुबह से, आज 4 दिन हुए लगे हुए हैं और हर तरीके से पूरा इंतजाम कर रखा है। अच्छा, कौन कौन से गांव हैं जो ज़्यादा चपेट में आए हैं? एक गाँव तो काफ़ी आ गए। फसल तो आप फसल का नुकसान तो बहुत हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन अब सिर्फ एक गाँव की आबादी में पानी ना जाए। हमारा तो गांव के आबादी, गांव में भी बड़ा आबादी है, कुछ खेतों में ढाणियाँ थी उनको भी हमने कोशिश की है, पशुओं को उनको निकलवा के लाए हैं भाई, ताकि वहाँ कोई दिक्कत ना हो। गांव तो लगभग कहीं ना कहीं चपेट में, सिटी की तरफ पानी बढ़ता नहीं, नहीं गांव में भी कहीं भी आबादी में पानी नहीं जाने दिया अब तक हमने। अच्छा कहीं भी गाँव में आबादी में पानी नहीं जाने दिया और शहर में भी किसी प्रकार का हमारी कोशिश रहेगी शहर में पानी ना जाए। स्पेशल कोटा लाएंगे आप जो धानियों में रहने वाले लोग? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारे संपर्क में, प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात हुई, जो भी नुकसान होगा सरकार पूरी उसको भरपाई। गांव कट गए होंगे उससे, कई दूसरे गाँव से, कई वहाँ खाने पीने के प्रबंध का क्या है? ये बात सही है कि गाँव एक कई गाँव चारों तरफ पानी आने से कटे हुए हैं, लेकिन वहाँ सरकार की तरफ से पूरा इंजाम है। पानी की समस्या बहुत बताई जा रही है, फोन कुछ आए कि बताया गया पानी की समस्या उठाई है। देखो, दिक्कतें आ रही है लेकिन उसको हम पूरा कर रहे हैं। अब पानी की सप्लाई है वो बंद हो गई, लेकिन उसके बाद भी हम कुछ ना कुछ किसी तरीके से उस गांव में पहुंचा रहे हैं। हम किसी, देखो आपके सामने हम खड़े हैं, समाज सेवी संस्थाओं से कोई सारे सारी समाज, वैसे मैं समाज सेवकों से धन्यवाद करूँ, सारी समाज सेवा लगी हुई है, कोई खाने के लिए पैकेट पहुँचा रही है, कोई पानी का पहुँचा रही है। और भी मैं अपील करता हूँ संस्थाओं को कि और भी आगे योग करें, और इसमें कोई शक की बात नहीं, आप सारी संस्थाएं लगी हुई है, फतेहाबाद की हो चाहे फतेहाबाद के नज़दीक के गांव की हो चाहे रतिया से हो, अभी रतिया वाला भी आए थे, फतेह सब लगे हुए हैं ताकि इस इलाके को, शहर को किसी काम दिखे। क्यों काफ़ी, देखो आपके सामने कितनी लेबर लगी हुई है, काम करने वाले मजदूर हैं या साथी हैं, सबको खाने का पानी का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। जिस प्रकार से पानी बढ़ रहा है, कुछ है इंतजाम ऐसे कि पानी को डाइवर्ट किया जा सके? नहीं, पूरा ये बात ठीक है, पानी बढ़ रहा है उसी तरह। अभी आगे DC साहब और SP साहब गए हैं, आगे पानी जहाँ भी वो पानी कहीं एक दो मानियर थे, एक दो सड़कें थी उनको तोड़ी गई है ताकि आगे पानी निकले। अभी ये रोड चल रहा है या रोड बंद है? कौन सा जी? आगे फतेहाबाद सिरसा, ये चल रहा है? चल रहा है, सिरसा फतेहाबाद चल रहा है। तो अभी सुना आपने, दूड़ाराम कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन पानी के सामने सब कुछ बेबस है। और यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे कि लोगों की बड़ी भीड़ इस पानी को देखने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई है। हर जगह पर पानी को रोक दिया गया, आगे आप ऊपर देखेंगे पानी वहाँ पर रोक दिया गया, सामने सड़क की जो आवाजाही है वो भी यहाँ पर बंद कर दी गई है। काफ़ी प्रशासन कोशिश कर रहा है कि ये पानी फतेहाबाद में ना घुसे। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फतेहाबाद के लिए ही तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सामने ही फतेहाबाद शहर है और उसके बिल्कुल सामने टक्कर मारने के लिए तैयार है ये पानी। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, आप लोग यहीं से हैं भाई? हाँ भाई, यहीं से हैं आप लोग? क्या गाँव की स्थिति क्या है? गाँव की स्थिति सर बहुत बुरा हाल है सर। अच्छा, हाँ जी, हाँ, पानी सर बहुत ज़्यादा घरों में बढ़ने वाला हुआ पानी। हाँ हाँ जी, बहुत बुरा हाल है। तो क्या खाने पीने का क्या प्रबंध किया गया वहाँ पर? खाने पीने का सर अभी कोई पता नहीं है सर, अभी तो चल रहा है, अभी लोग आ रहे हैं। अच्छा, फसलें खत्म हो गई होंगी, तो ऐसे में पशुओं के क्या हालात हैं? पशुओं के तो बहुत हालात हैं सर बुरे, ना कोई खाने को मिल रहा चारा, ना कोई आस पास गाँव से आ रहे हैं ट्रालियाँ लोग ले लेके, तो इसी उसी में से चल रहा है गुजारा उनका।
अच्छा प्रशासन जो प्रयास कर रहा है भाई, आप भी बताओ थोड़ा सा, ठीक है प्रशासन के प्रयास? हाँ जी हाँ जी, बाकी लगे हुए हैं पुलिस वाले, लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रबंध कर रखा है। अभी पानी, कल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था सर, आज ही रात बहुत, अभी इतनी तेज बारिश, इतना तेज बहाव हो रहा है कि बढ़ता जा रहा है सर। हाँ। बहुत तेज बहाव है इसका, पानी इतना कम से कम फतेहाबाद में बस आधा इंच ऊपर गया, कम रह गया बस, थोड़ा बहुत टूटने वाला। बिल्कुल भाई, डर के साए में हैं लोग, जिस प्रकार से पानी बढ़ रहा है, और अगर ये पानी शहर में बढ़ जाता है, घुस जाता है, तब हालात क्या होंगे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ NH9 से फतेहाबाद के पास, फतेहाबाद और इस पानी के बीच सिर्फ 6 इंच की ये छोटी सी पट्टी बाकी है, और दुआएं सभी ये कर रहे हैं कि ये पानी इस पट्टी को ना लांग पाए और यहीं रुक जाए। आप इन हालात को देख करके क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।